नमस्कार वणक्कम सत श्री अकाल, कैसे हैं प्रभु। स्वागत आप सबका सुनील के सूत्र में। दो बड़े मैच हैं आज, दो घमासान भरे मैच हैं। पहले मैच में है चैंपियंस की टक्कर, चैंपियन टीम्स की चैंपियन रेडर्स की। दूसरे मैच में है चैंपियन कोचेस की टक्कर। बहुत ही टैक्टिकल दिमाग वाले, बहुत ही ज्यादा रणनीतियों के संग्राम वाले मैचेस होने वाले हैं। पहले मैच में जयपुर पिंक पैंथर्स डिफेंडिंग चैंपियंस के सामने पूर्व चैंपियंस दबंग दिल्ली है, और दूसरे मैच में दो दिग्गज कोचेस आमने सामने हैं। तमिल तलाईवास के सामने गुजरात जायंट्स हैं, राम मेहर सिंह साहब के सामने अश्विन कुमार सांगवान साहब हैं। तो सबसे पहले मैच की बात करता हूं प्रभु। जेपीपी बनाम दबंग दिल्ली, मैच की कहानियां क्या है? ये सबसे पहले दो बड़े रेडर्स की टक्कर है। एक तरफ अर्जुन है, एक तरफ नवीन है। दोनों एक साथ भारत के लिए खेल के आए हैं, कहां कहां, एशियन गेम्स और एशियन चैंपियनशिप। दूसरी कहानी यह है कि अर्जुन के सामने आज क्या विशाल भारद्वाज उतरेंगे। अर्जुन के सामने अगर विशाल भारद्वाज हैं तो ये सीधी सीधी राइट रेडर बनाम लेफ्ट कॉर्नर की एक जंग है। उसी तरह से नवीन जब जाएंगे तो सामने लेफ्ट कवर और उनके पूर्व इंडियन टीममेट सुनील कुमार वहां पे मौजूद होंगे। तो एक तरफ चैंपियन रेडर बनाम चैंपियन रेडर, दूसरी तरफ रेडर बनाम लेफ्ट कॉर्नर, रेडर बनाम राइट कवर की भी निशानी है। दूसरी बात, जीत के सूत्र क्या है? सबसे पहले बात जयपुर की, डिसेंट, बहुत डिसेंट ये टीम खेल रही है। सात में से चार मैच आपने जीते, दो हारे, एक टाई रहा, यानी कि सात में से सिर्फ दो ही मैच आपने हारे हैं। ओवरऑल टीम बेहतर कर रही है अब तक प्रो कबड्डी में। पिछले मैच में जयपुर पिंक पैंथर्स एक क्लोज मैच में 25-24 से तमिल तलाईवास को हरा के आई है। जब क्लोज मैच होते हैं उसकी जीत के बाद मोरल टीम का हमेशा बढ़ता है। आज जीत के तीन सूत्र आपके लिए हो सकते हैं। पहली बात ये कि खेलिए 5-2 पर। मुझे लगता है कि 5-2 की फॉर्मेशन को जिस तरह से जयपुर पिंक पैंथर्स ने या यू मुंबा ने मास्टर किया था वो सबके लिए एक उदाहरण बन सकता है आज। लेकिन 5-2 में आपको लेफ्ट कवर नहीं खिलाना प्रभु, आज आपको या तो एक्स्ट्रा राइट कवर खिलाना है या एक्स्ट्रा लेफ्ट कॉर्नर खिलाना है, यानी लविश और आशीष में से एक प्लेयर को खिलाइए, क्योंकि दिल्ली की तरफ से आने वाले सारे रेडर राइट के हैं। तो दो लेफ्ट कॉर्नर रहेंगे तो एंकल होल्ड करने में आसानी रहेगी, दो राइट कवर रहेंगे तो उनको डैश करने में आसानी रहेगी। तो ये बात दिग्गज कोच साहब संजीव बालियान बेहतर जानते हैं कि लेफ्ट कॉर्नर एक्स्ट्रा हो या राइट कवर एक्स्ट्रा हो, लेकिन 5-2 में एक एक्स्ट्रा डिफेंडर आज आपको सहायता करेगा। नंबर दो, जो भी कॉर्नर खेलें, योगेश आशीष खेलें या सुनील और विशाल भारद्वाज खेलें, उनको साफ करने की ड्यूटी लगे अर्जुन देशवाल की, क्योंकि वो कॉर्नर टू कॉर्नर अच्छा खेलते हैं। सूत्र नंबर तीन, वी अजीत कुमार खेले नरम गरम हैं, पिछले मैच में ज्यादा चले नहीं परंतु स्पीडी हैं। जब पांच से कम का डिफेंस हो तो अजीत को भेज दीजिए ताकि उस कम डिफेंस में वो अपनी गति से उनको बीट कर पाए। एक्स फैक्टर मेरे लिए कैप्टन रहने वाले हैं। देखिए, सुनील नाम के लोग अगर मैट पे हों तो बहुत अच्छा काम करते हैं। सुनील दिग्गज हैं और सामने वाली टीम में 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 जो सारी बारात भर के राइट रेडर्स की आएगी, उनको रोकने का जिम्मा होने वाला है सुनील कुमार मलिक पर। अब बात करता हूं दबंग दिल्ली की। आपने 6 मैच खेले हैं, 3 जीते हैं, 3 ही हारे हैं, और एक पैटर्न है, हार जीत हार जीत। पिछले मैच में आपको जीत मिली थी, आपने बंगाल वॉरियर्स जैसी बड़ी टीम को 38-29 से हराया है। तो आज जीत के सूत्र आपके लिए क्या है? पहली बात, मुझे लगता है कि आज विशाल और सुनील की जोड़ी को उतारिए। ठीक है, योगेश आशीष बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दोनों हाई फाइव मार चुके हैं, पर आज सामने अर्जुन और अजीत जैसे बड़े रेडर हैं, तो क्या खोकर साहब अपने अनुभवी कॉर्नर्स को उतारेंगे, ये उन पे मुनसर करता है। नंबर दो, नवीन अब चूंकि बोनस के अलावा टच पॉइंट काफी ला रहे हैं, और ये काम उन्होंने शुरू किया था एशियन गेम्स में, वो पाकिस्तान के खिलाफ का सेमीफाइनल किस किस को याद है, हाथ खड़ा करो, ये अच्छी बात हो गई है। तो उसका फायदा उठाइए नवीन, कॉर्नर्स पे कवर पे अटैक कीजिए। जो अंकुश सुनील की खतरनाक जोड़ी है उसको आप साफ कीजिए ताकि बाद में आने वाले रेडर फायदा उठा पाएं। और बाद में आने वाले रेडर्स में आशु हैं जो मुझे लगता है ज्यादा बोनस पे खेलें तो उनको कामयाबी मिलेगी। 6-7 के डिफेंस में जाइए, जब आपको सेफ खेलना है तो आशु से बोनस करवाइए।
या नवीन जाके जब उनकी रेंज में अंकुश और सुनील हो उनकी जोड़ी को तोड़िए। और नंबर तीन मुझे लगता है कि एक लेफ्ट रेडर उतारना पड़ेगा आपको। मनु को आपने उतारा है, बहुत कामयाबी मिली नहीं, पर उनको रोटेशन में इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि सारे राइट रेडर होते हैं तो फिर बहुत प्रिडिक्टेबल हो जाती है टीम। एक्स फैक्टर मुझे लगता है रहने वाले हैं विशाल भारद्वाज, अगर वो खेले। अब ये टीम पे डिपेंड करता है कि आप विशाल को खिलाते हैं या नहीं, लेकिन विशाल जैसा अनुभवी डिफेंडर आपको इस लंबी लीग में चाहिए होता है। मुश्किल सवाल, बहुत मुश्किल सवाल, पलड़ा किसका भारी। संतुलन देखते हुए मुझे जयपुर पिंक पैंथर्स थोड़ी बेहतर टीम लग रही है। दिल्ली के पास नंबर ऑफ रेडर्स ज्यादा है, खतरनाक ये रेडिंग में है, लेकिन ये टीम डिफेंस में बहुत मुझे लगता है बेहतर है। थोड़ा सा ज्यादा नहीं, 2 या 3 पॉइंट के मार्जिन से मुझे लगता है मैच का फैसला होना चाहिए। जयपुर ये पिंक पहनने का मकसद मेरा वो नहीं है, लेकिन ओवरऑल टीम मुझे थोड़ी बेहतर लग रही है जेपीपी। आप लोग प्रभु लोग क्या कर सकते हैं, मेरे सोशल मीडिया पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, एक्स यानी ट्विटर और इंस्टा का लिंक नीचे दिया हुआ है। तो कबड्डी की तमाम हलचल और कुछ दूसरे खेलों की भी सारी जो हलचल है आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी देख सकते हैं। हम देख रहे हैं दूसरे मैच की बात, तमिल तलाईवास के सामने है गुजरात जायंट्स। एक टीम काफी बेहतर कर रही है, तमिल तलाईवास अभी बहुत बेहतर नहीं कर पाए। 7 में से आपने 2 मैच जीते हैं तो बॉटम हाफ में है पॉइंट टेबल में। गुजरात जायंट्स अपेक्षाकृत काफी अच्छा कर रही है, अपने होम लेग का उनको फायदा मिला। 7 मैच आपने खेले हैं, 4 आपने जीते हैं और 3 मैच आपने हारे हैं। तो ओवरऑल गुजरात का प्रदर्शन तमिल तलाईवास से थोड़ा सा बेहतर है। अब मैच की कहानियां हैं दो। पहली कहानी यह है कि युवा नरेंद्र कंडोला, एक भविष्य के स्टार माने जाने वाले नरेंद्र कंडोला के सामने है सुपरस्टार लेजेंड अनुभवी फजल अत्राचली। हालांकि दोनों बहुत दूर दूर होते हैं, लेफ्ट रेडर और लेफ्ट कॉर्नर बहुत दूर दूर रहते हैं, पर ये दो अलग अलग जनरेशन का मुकाबला है। दूसरी कहानी मेरे लिए बहुत बड़ी है प्रभु। एक तरफ है अश्विन कुमार सांगवान, एक तरफ है राम मेहर सिंह। अश्विन कुमार जी 1990 एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट, राम मेहर साहब 1998 और 2002 एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट, दोनों भारत सरकार से पुरस्कृत हो चुके हैं, दोनों प्रो कबड्डी में अपना जलवा दिखा चुके हैं। अश्विन कुमार जी ईरान और कोरिया के साथ नेशनल कोच रहे हैं, भारत के साथ एशियन चैंपियनशिप में थे। राम मेहर जी नेशनल कोच रहे हैं 2018 एशियन गेम्स में। तो दो बहुत ही शातिर माने जाने वाले कोचेस का मुकाबला है, बहुत ही कड़ी टैक्टिकल बैटल होने वाली है प्रभु। आसान मैच मुझे नहीं लगता कोई भी टीम इसको समझ के ले सकती है। नंबर दो, जीत के सूत्र। सबसे पहले तमिल तलाईवास के लिए, पिछला मैच आप 42-29 डबल डिजिट के मार्जिन से हरियाणा स्टीलर्स से हार के आए हैं। उस मैच में अच्छी बात सिर्फ ये रही कि हिमांशु चले, जो आपके पास 3 हिमांशु हैं उनमें से एक हिमांशु सिंह चले, 9 रेड पॉइंट लिए। साहिल गुलिया 10 टैकल पॉइंट, डबल हाई फाइव उनका लग गया। सागर भी 4 पॉइंट, तो 2 कॉर्नर चले। लेकिन 3 खिलाड़ियों के इंडिविजुअल प्रदर्शन के बावजूद टीम नहीं जीत पाई, क्योंकि दिक्कत आ रही है कोऑर्डिनेशन में। उसी की बात करूंगा जीत के सूत्रों में। 2 आपके लिए जीत के सूत्र बनते हैं। पहला ये कि 3 लेफ्ट रेडर आज आपको खिलाने चाहिए। अजिंक्य पवार पिछली बार फर्स्ट 7 में नहीं थे, उनको लेके आइए। नरेंद्र कंडोला रहेंगे साथ में, हिमांशु सिंह इन फॉर्म भी हैं और लेफ्ट वाले भी हैं। उसका कारण है कि ज्यादा लेफ्ट रेडर फजल को अवॉइड करेंगे, तो उसका आपको लाभ मिलता है। नंबर 2, डिफेंस को खेलना है अग्रेसिव लेकिन कोऑर्डिनेशन के साथ। सागर साहिल ने मिलके 14 टैकल पॉइंट पिछले मैच में लिए थे, लेकिन कवर्स में एक तो चेंजेस भी हो रहे हैं, ऊपर से कोऑर्डिनेशन नहीं है। सामने से राकेश और सोनू जैसे लंबे रेडर्स, राकेश स्पीडी बहुत हैं, उसके लिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज आपको हर मैच नहीं जितवा सकती, मिलके खेलना पड़ेगा प्रभु। एक्स फैक्टर मेरे लिए रहेंगे नरेंद्र कंडोला। इस सीजन में पिछले सीजन वाला जलवा वो नहीं दिखा पा रहे, लेकिन एक मैच चाहिए और नरेंद्र कंडोला पुराने रंग में आ सकते हैं। अब बात करता हूं गुजरात जायंट्स की। पिछले मैच में आप यूपी योद्धास जैसी बड़ी टीम को 38-30 से हरा के आए हैं। प्रदीप को आपने खामोश रख लिया था, सुरेंद्र गिल चले थे, लेकिन आपके लिए एचएस राकेश चले, ये बहुत अच्छी खबर है उनके लिए, जो वो अभी तक नरम गरम थे। 14 रेड पॉइंट लिए। फजल चले, हाई फाइव लगाया। उनके पार्टनर सोमवीर चले, उन्होंने 3 पॉइंट लिए। तो काफी सारे खाने आपने भर दिए। आज क्या करना है, जीत के सूत्र क्या है, इनको खेलना चाहिए 5-2 पर। और जो 5th डिफेंडर है वो आज नबी बख्श ना हो, वो हो मोस्ट लाइकली मनुज,
दो राइट कॉर्नर्स के साथ खेलिए या दो लेफ्ट कवर्स के साथ खेलिए। मुझे लगता है दो राइट कॉर्नर बेहतर रहेंगे क्योंकि सामने से कम दो लेफ्ट रेडर आएंगे। अजिंक्य पवार हो, नरेंद्र कंडोला हो, हिमांशु हो, एक और हिमांशु हो, तो उधर से लेफ्ट रेडर्स की बहुतायत है। अगर दो लेफ्ट रेडर्स के साथ वो उतरते हैं तो आप दो राइट कॉर्नर्स के साथ उतरिए ताकि एंकल होल्ड में आपको सुविधा मिले। अगर कहीं वहां से दो राइट रेडर उतार दिए जाते हैं, दूसरे हिमांशु या मसल मुथू आते हैं, तो फिर आप 5-2 से 4-3 जा सकते हैं। और अगर 5-2 से उतर रहे हैं तो दो रेडर्स में राकेश तो बनते हैं क्योंकि सुपर 10 लगा के आए हैं, साथ में रोहित गुलिया रखिए वैरायटी के लिए ताकि एक राइट का हो एक लेफ्ट का हो। अगर सामने वाले रेडर ना चल रहे हो तो आप 5 की जगह 4-3 कर सकते हैं और फिर सोनू जागलान को उतार सकते हैं। ये फ्लूइड फॉर्मेशन आपको रखनी पड़ेगी और जो दोनों आपके रेडर्स उतरेंगे उसमें से रोहित गुलिया की जिम्मेदारी लगे कि दोनों कॉर्नर्स पे निशाना बनाए क्योंकि उनकी मजबूती आती है डिफेंस में। सागर साहिल जिन पे बहुत अच्छा रनिंग हैंड टच कर सकते हैं रोहित गुलिया। एक्स फैक्टर मेरे लिए रहेंगे इस मैच में सोमबीर गुलिया राइट कॉर्नर क्योंकि सामने आने वाले हैं बहुत सारे लेफ्ट रेडर। मुश्किल सवाल तीसरी बात, पलड़ा किसका भारी? ये पलड़ा बराबर है, ये 1-2 के बीच में ये मैच मुझे लगता है डिसाइड होना चाहिए। टाई हो जाए मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। आप बताइए प्रभु लोग कौन से कोच जीतने वाले हैं, राम मेहर सिंह साहब या अश्विन कुमार सांगवान साहब? पहले मैच में नवीन की टीम दिल्ली जीतेगी या अर्जुन की टीम JPP पिंक वाले जीतेंगे? इस शर्ट की ओर ज्यादा मत देखिए, मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूं और मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक इजाजत दीजिए और मेरे शॉर्ट्स देखते रहिए, वहां कुछ ना कुछ हम IPL की बात भी कर रहे हैं, वहां उनकी टीमों की बात कर रहे हैं। साथ में मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, वहां भी कबड्डी का बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारे प्लेयर्स के इंटरव्यूज के भी मैं आपको फीचर देता रहूंगा। जय हिंद।